यो थन सबने मेरी राम राम। थने कहानी सुनाऊं आज सीता माता की। तो मुनिराज ऋषि का आश्रम में सीता माता की और राम को इतिहास लिख रहा था। तो वही मुनिराज का आश्रम के माने एक तोतो और तोती रहबो करता। तो तोतो तोती रह सा तो वही अपने ध्यान से उनकी बात सुने सा। जब ऋषि लिखबो करता तो उन्हें ध्यान से सुने सा। अकबाई जिनकपुरी में जिनक राजा के एक सीता माता पैदा होगी और दशरथ राजा के राम पैदा होगो तो अयोध्या में। तो यहाँ लिख रहा था तो एक दिन वही तोती सुन लिया तो अड़ी ने राम को जन्म होगो सो और अड़ी ने सीता को जन्म होगो सो। तो ये छोटी सी थी और वही तोती उड़ के और उनका जनक राजा का महल का आगे कोई पेड़ सो पेड़ में बैठा था तो सीता माता उड़े खेल बाबो करती उनकी छोटे छोटे टाबरियाँ के साथ सहेलियाँ के साथ वह खेल के लाग रही थी। खेल लाग रही तो एक दिन वह तोती से जो आपका तोता ने उनकी कहानी सुना बाक लाग रही। हे तोता तूने एक बात बताऊँ। बोले बता। बोलो या सीता माता से ना जो कसे जिनक राजा की बेटी और उनको दशरथ का बेटा ने राम ने ब्याई जाएगी और राम को और दशरथ को सीता को ब्याहोगो एक साथ। ये अण को ब्याहोगो बोलो और अण को बोलो दोनों को एक। तो वह सीता सारी बातों ध्यान से उन तोती की बात सुन रही थी। तो उन्हें गुस्सा आयो तू मेरी बात कर रही है। गुस्सो करके तोती ने पकड़ ली वह सीता जार पीछा से पकड़ के सीता माता हूँ तोती ने अरले जार पिंजरा में जुड़ ली। तो वह तोती बोली हे सीते मुने छोड़ दे कसे। बोलो मैं वही पिंजरा में बहुत दुख पाऊंगी और मैं गर्भवती हूँ और गर्भवती मुने आज मेरा पति की जरूरत सर। तू मुने ए बेदी तू इसी बेदया की कहियाँ बन गई मुने बंद कर दी। तो भाई सीता माता भी बेदयी होगी सी उन्हें कोई दया को नहीं निर्दयी ने और उन्हें पिंजरा में बंद कर दी तोती ने और वह बिचारी दुखी होगी उनको मायने। और भाई वाह सी कोई गर्भवती तोती सी तोता की उन्हें जरूरत सी। वह बार बार तराय तराय करे हे सीते मन काट दे हे सीते मन काट दे। उन्हें सीता माता कोन्या काटी। तो भाई वह तोती से जो मैं प्राण दे दिया। तो वह तोती प्राण देता है उनका शरीर में से एक ऐसी बद्दुआ निकली। तो आज के दिन तो उन्हें बोले से बद्दुआ और पहले का जमाना बोलता शराब। तो भाई का मुंडा मां से एक बद्दुआ निकली हे सीते आज बोले मैं मेरा पति की खातर में तड़प तड़प के और प्राण दे रही हूँ और एक दिन तू भी तेरा पति की खातर तड़पेगी कैसे जा सीता तुन वरदान दे के जाऊँ सूँ। तू तोती का प्राण निकलगा और भाई सीता माता को और राम को और सीता माता को ब्याह हो। अड़ी ने दशरथ राजा अपनी भगवान ने लियायो अपने घर पर और भाई सीता ने और राम ने अच्छा रहबा लागा। और एक दिन भाई हूँ कभी बोले उन्हें राम ने वनवास को ऑर्डर होगो। तो राम वनवास चाल लियो तो सीता माता बोली बोले मैं भी तेरी साथ चालूंगी। और राम बोले भाई चाल। तो वह सीता माता ना तो भाई राम ने सीता माता राम ले गो उन्हें सीता ने वनवास में और ना राम की साथ सीता गई। वह तो एक तोती का श्राप की खातर एक तोती को श्राप लागेड़ो सो और एक की मारी वह वन में गई थी। तो जब वन में चली जाए से सीता और राम की साथ वन में रह लाग जाए से जा कर भाई वह देख ले रावण से जो उन्हें सीता को हरण कर ली जाए से हरण करके और जार वह जहिया तोती ने पिंजरा में जुड़ी थी सीता जहिया ही उन्हें रावण ले जाकर सीता ने पिंजरा में जोड़ दिया। जब वड़ी ने सीता तरसे आपका भगवान की खातर राम की खातर हे भगवान हे राम मुने दर्शन दे अक मुने अन्यायी रावण मुने पिंजरा में जोड़ दिया। तो बोले भाई ना तो वनवास में सीता आप गई ना तो उन्हें राम ले गो और उन्हें एक तोती का श्राप से सीता गई थी वन में और वह श्राप को पूरो गो जब राम उन्हें वन में छुटा के ले आए छो। और भाण भाइयो थन मेरी राम राम। थन या सीता माता की कहानी अच्छी लाग है तो मेरा चैनल ने आगे बढ़ायो और थम सभी लाइक करियो सब्सक्राइबर करियो और भाई थन सबने मेरी राम राम।